आए दिन ऐसा होता है कि हम कहीं बस में सफ़र कर रहे होते हैं, जैसे दिल्ली बम्बे कोलकाता ऐसे महानगरों में, तो मेरा पर्स से मोबाइल को है चोरी कर रहता है चोर लोग। या हम ट्रेन में सफ़र करते हैं और भीड़ भाड़ होता है तो वहाँ से भी मेरा पॉकेट मार लेता है और मोबाइल रहता है पॉकेट में। तो आज के वीडियो में मैं आपको यही बताने वाला हूँ कि अगर आपको मोबाइल ट्रेन में या बस में पॉकेट मार लेता है, चोरी कर लेता है, तो आप खुद से अपने मोबाइल को किस तरीके से ब्लॉक करेंगे और उसमें जो सिम पड़ा हुआ है उसको आप किस तरीके से ब्लॉक करेंगे घर बैठे अपने मोबाइल फ़ोन से, लैपटॉप से। आपको कहीं भाग दौड़ करने की कोई ज़रूरत नहीं है, किसी को पैसे देने की कोई ज़रूरत नहीं है, पुलिस स्टेशन भी जाने का आपको कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं आपको बताऊँगा कि किस तरीके से आप घर बैठे अपने मोबाइल फ़ोन को किस तरीके से आप ब्लॉक करेंगे। सो गाइस, मैं हूँ इंजीनियर राजा और मैं आपसे सजेस्ट करता हूँ कि अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इस रेड बटन को दबा के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस तरीके का नया नया वीडियोस पाइए आप रोजाना। सब्सक्राइब करने से ये होगा कि मैं पर डे नया नया वीडियो अपलोड करता हूँ और उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचेगा, और पहुँचेगा कब, जब आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ऑल का बटन सबसे ऊपर रहता है, ऑल लिखा रहता है, उस पर प्रेस कीजिएगा। तो मैं पर डे अपलोड करता हूँ नया नया वीडियो, तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले पहुँचेगा और आप मेरे वीडियो से ज़रूर कुछ न कुछ जानकारी प्राप्त कीजिएगा। तो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि किस तरीके से अगर आपका मोबाइल फ़ोन चोरी हो जाता है तो उसको आप किस तरीके से ब्लॉक करेंगे। कोई भी पर्सन अगर आपका मोबाइल फ़ोन चुरा लेता है तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि मेरा गलत यूज कर लेगा, मेरा उसमें सिम है, मेरा उसमें बहुत सारा डॉक्यूमेंट है, वो तो टेंशन रहता ही है क्योंकि चोरी हो जाता है। अभी सबके पास महंगे महंगे मोबाइल होते हैं तो वो बहुत टेंशन में आ जाते हैं कि मेरा जो इतना महंगा मोबाइल था और चोरी हो गया, मेरा उसमें ढेर सारा डॉक्यूमेंट था जो मैं स्कैन करा के रखा था वो भी मेरा लॉस हो गया, मेरा मोबाइल चोरी हो गया, सिम चोरी हो गया, बहुत सारा टेंशन बन जाता है। तो मैं आपको इस वीडियो में यही बताऊंगा कि किस तरीके से आप अपने मोबाइल को ब्लॉक करेंगे और सिम को किस तरीके से ब्लॉक करेंगे, ताकि जो भी पर्सन आपका मोबाइल चुराया है वो सिर्फ उसको खिलौने के मापिक समझेगा, वो उस मोबाइल को यूज नहीं कर सकता है। क्योंकि मैं आपको ऐसा ही ट्रिक बताऊंगा जिससे आपका मोबाइल जो चोरी हुआ है उसको बहुत ही इजी तरीका से ब्लॉक कर देंगे, तो वो जो है उसका मोबाइल जो है आपका मोबाइल जो चोरी हुआ है वो खिलौना हो जाएगा, वो उसको यूज नहीं कर सकता है, उसको खोल नहीं सकता है, वो परमानेंटली ब्लॉक हो जाएगा, उसका मोबाइल खुलेगा ही नहीं जो भी पर्सन आपका मोबाइल चुराया रहेगा। तो मैं आपको यही तरीका बताऊंगा किस तरीके से आप अपने मोबाइल को ब्लॉक करेंगे अगर आपका मोबाइल चोरी हो जाता है, खो जाता है। तो अब आप अपने मोबाइल को किस तरीके से ब्लॉक करेंगे ये देखने के लिए आपको इस वीडियो को तो लास्ट तक देखना होगा, तभी आप समझेंगे किस तरीके से अपने मोबाइल जो चोरी हो गया है उसको किस तरीके से आप ब्लॉक करेंगे। तो इस वीडियो में आप ज़रूर लास्ट तक बनिए, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अपने लैपटॉप के ब्राउज़र में टाइपिंग करेंगे ceir.gov.in, इसका लिंक आपको ब्राउज़र आपका मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। आपके सामने ऑफिशियल वेबसाइट आ जाएगी सेंट्रल इक्विपमेंट आइडेंटिफिकेटिंग रजिस्टर। अगर आप अपने मोबाइल फ़ोन को ब्लॉक करना चाहते हैं तो यहाँ देख रहे हैं ब्लॉक स्टोलन लॉस्ट मोबाइल, तो आप सिंपली इस पर क्लिक करेंगे। जैसे क्लिक करेंगे कुछ इस तरीके से ये ओपन होकर आ जाएगी। ये सर्विस अभी देख रहे हैं कि यहाँ पे महाराष्ट्र और यहाँ पे देख रहे हैं कि दिल्ली के लिए सब्सक्राइबर के लिए है, धीरे धीरे ये पूरी कंट्री इंडियन कंट्री में ये अवेलेबल हो जाएगी। तो यहाँ पे अपने डिवाइस की इंफॉर्मेशन देनी होगी, जो भी आपके मोबाइल में जो भी सिम पड़ी हुई थी तो वो नंबर आपको यहाँ पर टाइपिंग कर देना है, और दूसरा अगर डबल सिम था तो दूसरा नंबर आपको यहाँ पर टाइपिंग कर देना। IMEI नंबर आप क्या था वो आपको यहाँ पर जो है 15 डिजिट का होता है वो आपको यहाँ पर टाइपिंग कर देना, और दूसरा नंबर जो भी था मोबाइल का तो वो आपको यहाँ पर टाइपिंग कर देना है। इसके बाद आपको यहाँ पर चूज करना है कि कौन से ब्रांड का था आपका मोबाइल, तो यहाँ से जाकर आप यहाँ से चूज कर सकते हैं। चलिए मैं यहाँ पर जो अपना मोबाइल को चूज कर लेता हूँ, तो यहाँ पर अपने डिवाइस का मॉडल डाल देना है। तो चलिए मैं यहाँ पर डाल देता हूँ सैमसंग गैलेक्सी J7i।
अगर आपके मोबाइल का फ़ोन का बिल अवेलेबल है तो यहाँ से आप चूज करके इसमें डाल देंगे। इसको स्क्रॉल डाउन करके नीचे आएंगे, यहाँ देखें लॉस्ट इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर डेली होंगे कि आपका जो मोबाइल जो चोरी हो गया था वो कहाँ पर हो गया था, तो वो उस प्लेस को यहाँ पर आपको टाइपिंग कर देना है। इसके बाद यहाँ पर सिंपली आपको डेट चूज कर लेना, कौन सा डेट में आपको चोरी हुआ था वो डेट आपको यहाँ से चूज कर लेना है। इसके बाद आपको यहाँ पर टाइमिंग चूज कर लेना है, जो भी टाइमिंग है तो यहाँ से आपको टाइमिंग चूज कर लेना है आपको। इसके बाद यहाँ पर आपको स्टेट चूज कर लेना है, जैसे मैंने बताया था यह बम्बई और दिल्ली के लिए है, तो ये दो ही जगह के लिए है, तो यहाँ पर आपको उस हिसाब से आपको यहाँ पर चूज कर लेना है। चलिए मैं यहाँ पर अपना दिल्ली में चूज कर लेता हूँ। इसके बाद यहाँ पर आपको स्टेट चूज कर लेना है, कौन से स्टेट है तो वो आपको यहाँ पर चूज कर लेना है। इसके बाद सिंपली आप देख रहे हैं कि इस साइड में आपका जो पुलिस स्टेशन है वो आप कंप्लेंट सिंपली यहाँ पर आ चुका है। यहाँ पर देख रहे हैं कि पुलिस कंप्लेंट नंबर, अगर आपके पास कोई कंप्लेंट नंबर है तो वो आप यहाँ पर डाल दीजिए। इसके बाद यहाँ पर देख रहे हैं कि पुलिस कंप्लेंट जो भी है, जहाँ भी आप कंप्लेंट रखी हुई है वो यहाँ से सिंपली सेलेक्ट करके इसमें अपलोड कर देंगे। इसके बाद यहाँ देख रहे हैं कि अगर एक से ज़्यादा कंप्लेंट, यहाँ पर एड मोर पर जाकर और भी यहाँ पर एड कर सकते हैं। अब यहाँ पे स्क्रॉल करके नीचे आएंगे, मोबाइल ओनर की पर्सनल इन्फॉर्मेशन यहाँ फिलअप करने होगी उसका, जैसे हो गया ओनर का नेम, मालिक का नाम हो गया, एड्रेस यहाँ पर डाल देना है। इसके बाद आइडेंटिटी में क्या दे रहा, आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस, अदर चलिए जो भी है यहाँ पर आपको इसको डाल देना है। इसके बाद चूज फाइल पर आप क्लिक करके वो फाइल भी आपको यहाँ पर अपलोड कर देना है। इसके बाद यहाँ पर देख रहे हैं आइडेंटिटी नंबर है, जो पैन कार्ड का नंबर वो आपको यहाँ पर डाल देना है। इसका जो भी एक मेल आईडी है तो वो ईमेल आईडी आपको यहाँ पर डाल देना है। इसके बाद यहाँ पर जो देख रहे हैं मोबाइल नंबर आपको ऑटोमेटिक यहाँ पर आ जाएगा, नहीं आ रहा था वो यहाँ पर आपको टाइपिंग करके डाल देना है। इसके बाद सिंपली आपको यहाँ गेट ओटीपी पे ओके करना है, तो आपके मोबाइल पर एक ओटीपी भेज दिया गया है, यहाँ पर आप ओटीपी डाल के इसके बाद सिंपली आपको वेरीफाई कर देना है। चलिए मेरे मोबाइल केस में आ गया, मैं यहाँ पर ओटीपी डाल देता हूँ। ओटीपी डालने के बाद सिंपली यहाँ पर कर देना वेरीफाई ओटीपी पर ओके, तो आप यहाँ वेरीफाई आपका ओटीपी हो चुका है। सिंपली यहाँ टर्म को एक्सेप्ट करेंगे, यहाँ सिंपली आप कर देना है सबमिट। सबमिट पर क्लिक करने के बाद आपके मोबाइल पे एक रिक्वेस्ट भेजी जाएगी, तो आपके मोबाइल पे एक रिक्वेस्ट आईडी भेजी जाएगी, वो आप सेव करके रख लीजिए। इसके बाद आपके डिटेल को वेरीफाई किया जाएगा और आपके मोबाइल फ़ोन को ब्लॉक कर दिया जाएगा, कोई भी पर्सन उस मोबाइल फ़ोन को यूज नहीं कर पाएगा। लेकिन कभी भी अगर बाद में आपको वो मोबाइल फ़ोन अगर मिल जाता है, आप उनको अनब्लॉक भी कर सकते हैं, जिसके लिए आपको इस पेज पर जाना पड़ेगा। यहाँ देख रहे हैं कि अनब्लॉक फोन मोबाइल, तो जिसके लिए आप यहाँ पर अनब्लॉक पर क्लिक करेंगे, रिक्वेस्ट आईडी जो आपको दी गई है वो आपको यहाँ पर डालना है। इसके बाद यहाँ पर आपको मोबाइल नंबर डालना है, जो भी मोबाइल नंबर दिए हुए थे यहाँ पर देख रहे हैं कि रीजन अनब्लॉकिंग का जो भी है तो वो आपको यहाँ पर डाल देना है। और यहाँ पे आपको रीजन देना पड़ेगा कि कौन क्यों आप अनब्लॉक कराना चाहते हैं, तो यहाँ पर देख रहे हैं कि रिकवरी माई पुलिस, फाउंड माई सेल्फ, ब्लॉक्ड बाई मिस्टेक, और यहाँ पर देख रहे हैं अदर रीजन, तो यहाँ पर आप डाल के सिंपली इसको यहाँ पर डाल देंगे। इसके बाद सिंपली जो आपका मोबाइल नंबर है वो आपको ये मोबाइल नंबर यहाँ पर डालेंगे तो आपके और गेट ओटीपी ओके करेंगे तो आपके मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगा, ओटीपी डाल के आपको सिंपली यहाँ सबमिट कर देंगे। तो सबमिट करने के बाद आपको जो डिटेल है उसको वेरीफाई किया जाएगा और आपके जो मोबाइल है उसको अनब्लॉक कर दिया जाएगा। इसके बाद आप अपने मोबाइल को बहुत ही साधारण तरीके से यूज कर पाएंगे। अगर आप अपने मोबाइल फ़ोन के स्टेटस चेक करना चाहते हैं कि आपके मोबाइल फ़ोन को ब्लॉक किया गया है या नहीं, तो सिंपली आप यहाँ पर जाएंगे, यहाँ देख रहे हैं चेक रिक्वेस्ट स्टेटस, आपको सिंपली इसको ओके क्लिक कर देना है। यहाँ पर जो आपको रिक्वेस्ट आईडी दिया गया है वो आपको इसमें डाल देना है, और डालने के बाद सिंपली आपको यहाँ पर सबमिट कर देना है। तो यहाँ पर सबमिट करने के बाद आपको सामने आ जाएगा कि आपका मोबाइल फ़ोन को ब्लॉक कर दिया गया है या अभी ये प्रोसेसिंग में है। इस तरीके से आप देख सकते हैं कि अपने मोबाइल को जो आपका स्टेटस है वो अनब्लॉक या ब्लॉक कर दिया या पेंडिंग में है, जो भी है, तो यहाँ पे स्टेटस वो आपको क्लियरली बता देगा। सो गाइस, आपने जाना है किस तरीके से आपका मोबाइल जो खो गया है या चोरी हो गया है उस मोबाइल को किस तरीके से आप घर बैठे अपने मोबाइल से, लैपटॉप से किस तरीके से उसको ब्लॉक करेंगे। सो आई होप कि ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिए, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करिए। अगर आपके दिल में कोई क्वेश्चन हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करके पूछ सकते हैं।